सट्टे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। वहीं शिवपुरी एसपी रघुवंश कुमार भदौरिया के निर्देश पर कोतवाली पुलिस की टीम ने जुआ और सट्टा एवं स्मैक के खिलाफ अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। बता दें कि शिवपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने सट्टा एवं जुआ के खिलाफ 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि कोतवाली टीआई अमित भदौरिया को सूचना मिली थी कोट रोड फतेहपुर कमलागंज पर सट्टा खिलाया जा रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा दबिश दी गई और 12 सटोरियों को पकड़ा गया। वहीं सटोरियों से 62,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कुछ कार्रवाई की गई है सटोरियों पर सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और कितने लोग इसमें पकड़े हुए हैं सर? पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार जुए सट्टा इसमें इनके विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज पुलिस के द्वारा फतेहपुर कमलागंज और कोट रोड पे छापामारी की गई, जहाँ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी। तो इस तारतम्य में कुल 12 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और 62,000 के लगभग नगद राशि मिली है। सर क्या कुछ प्रकरण इस केस में बनता है? और जो एक्ट है उसके अंतर्गत इन पे कार्रवाई की जा रही है और जिनका रिकॉर्ड है उन पे जिलावदर और 110 और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर सूचना अगर और कहीं पे भी मिलती है तो पुलिस लगातार पहले भी कार्रवाई की है, हमेशा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसे ही अवैधानिक गतिविधियाँ होंगी वहाँ लगातार कार्रवाई की जाएगी और इन पे सख्त कार्रवाई करें। अभी पूरे जिले में मैंने निर्देश दिया है कि जुआ सट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा, उसमें नो टॉलरेंस की रीति रहेगी। कोई पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, बिल्कुल किसी की इन्वॉल्वमेंट से नॉलेज से कार्रवाई की जाएगी। और अभी लगातार ज़िले में जो है 20-25 केसेस जुआ सट्टा के बन चुके हैं पिछले 7-8 दिन में। और कल भी आपके देखा कि लगभग 62,000 रुपये का जो है सट्टा पकड़ा गया था कोतवाली क्षेत्र में। साथ ही अभी लगातार 5 केस आईपीएल के पकड़े गए जिले में, बड़े बड़े, जैसे एक 40 का था, एक जो है 1,00,000 का था, एक जो है 40,000 का था, एक जो है 27,000 का था। ऐसे आईपीएल के केस भी पकड़े गए हैं और इस टाइप से जो है पूरे ज़िले में सट्टे जुए की जो है पूरे उसको जो है ख़त्म किया जाएगा, उसका नेटवर्क है उसको ख़त्म किया जाएगा। अभी सूचना मिली है वहाँ से कि एक स्मैक जो 70 ग्राम के साथ एक स्मैक वाले पकड़ा गया है, उसमें पूरा डिटेल अभी आने के बाद आपको मिल किया जाएगा। ये पुलिस अधीक्षक हेल्प डेस्क जो है एक बनाया गया है जिसमें यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आते हैं लोग, तो उन्हें बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, उनको सुविधाजनक रूप से उनकी बातें सुनी जाए। क्योंकि कभी हो सकता है कि मैं ऑफिस में हूँ कभी नहीं हूँ तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है, उस समय जो है ये हेल्प डेस्क में वहाँ पे हमारे अधिकारी रहेंगे, एक सब इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारी भी रहेंगे जो कम शिकायत शाखा में काम भी करते हैं। ये उनकी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन होके उन शिकायतों में थाने में क्या कार्रवाई हुई है और थाने से उसकी रिपोर्ट फीडबैक रिपोर्ट लेंगे उस शिकायत पे, साथ ही उसको कार्रवाई करने के लिए शिकायत को तत्काल फॉरवर्ड करेंगे, उस थाना संबंधित थाना प्रभारी को या एसडीपी को फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद सारी शिकायतों का मैं जब भी उपस्थित ऑफिस में उपस्थित होऊंगा पूरा उसका जो है एक तरह से समीक्षा करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।